नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज हम देखेंगे केंद्रीय विद्यालय लॉटरी राउंड वन प्रोसेस। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके कुछ डाउट हो तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बना सकते हैं। चलो तो शुरू करते हैं। तो ये है वेबसाइट केंद्रीय विद्यालय एडमिशन फॉर क्लास फर्स्ट। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक एप्लीकेशन और उसके अलॉटेड सीट्स के बारे में। तो यहाँ पे मैंने डिटेल्स और कैप्चा डाल दिया है। तो कैप्चा कैपिटल स्मॉल करेक्ट होना चाहिए, उसके बाद हम लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि केवी का कल लॉटरी का रिजल्ट डिस्प्ले हुआ है। यहाँ पे हमने 3 केवी को अप्लाई किया था, केवी नंबर 1 अहमदनगर, KV2 MIRC अहमदनगर और KV3 VRDE। तो यहाँ पे हमको एक कैटेगरी वाइज लॉटरी नंबर दिखाई दे रहे हैं। ये है RTE सिंगल गर्ल चाइल्ड HGC, देन तीसरा है OBC नॉन क्रिमिलियर और पांचवा है सर्विस कैटेगरी 5th, जो जनरल कैटेगरी के पीपल को होता है, प्राइवेट सेक्टर जॉब पेरेंट्स के लिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि RTE में यहाँ पे हमारी बच्ची का नंबर है 294 और उसके लिए 20 सीट्स है, सो वेटिंग है 274। देन सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए 4 सीट्स होती है और उसका नंबर है 42, तो वेटिंग है 38, क्योंकि पहले 4 सीट्स है उनका कंफर्म एडमिशन हो गया है। देन ओबीसी नॉन क्रिमिलियर, तो इसमें 182 वेटिंग है और सर्विस कैटेगरी में 349 वेटिंग है। वैसे ही केंद्रीय विद्यालय 2 में RTE में 30 सीट्स है, तो 85 नंबर था, तो पहले 30 कंफर्म है और नाउ 55 वेटिंग है। सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए लॉटरी नंबर है 23 और पहले 5 सीट्स कंफर्म है और वेटिंग है 17। ओबीसी नॉन क्रिमिलियर के लिए 158 वेटिंग है, सेम ही, और सर्विस कैटेगरी 5 में 230 वेटिंग है। अभी केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 में VRDE में RTE में 10 सीट्स है, तो लॉटरी नंबर है 111 और वेटिंग लिस्ट है 101, पहले 10 जो है वो कंफर्म है। सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए वहां पे 2 सीट है और नंबर है लॉटरी नंबर 28, वेटिंग लिस्ट है 26। वैसे ही नॉन क्रिमिलियर के लिए 113 वेटिंग है और सर्विस कैटेगरी 5 के लिए 239 वेटिंग है। सो सेकंड लिस्ट में कंफर्मेशन आने का चांस है केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 में MIRC में, क्योंकि यहाँ पे सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए 17 वेटिंग है, तो पहले 5 सीट्स जो उनका दूसरे स्कूल में नंबर अलॉटेड है, तो वहाँ पे वेटिंग लिस्ट कम हो सकता है। और RTE में भी 55 वेटिंग है, तो यहाँ पे सेकेंड लिस्ट में नंबर आने के चांसेस है। तो ऐसे प्रकार हम हमारे बच्चों का केंद्रीय विद्यालय लॉटरी का नंबर देख सकते हैं। आपको और डिटेल चाहिए तो आप उस केवी के वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे हम वो पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि केंद्रीय विद्यालय ने YouTube में भी लाइव किया है और यहाँ पे हम वीडियो देख सकते हैं। तो मैं ये वीडियो रिज्यूम करता हूँ। All the best to all of you.
whoever has applied under RT. I'm clicking on the lottery button. This is the final lottery. The demo has been shown to you. I'm sure you all aware and familiar with the system that is carried out for online lottery system for admission to class 1 in KV number 1 Ahmednagar. Now this is the final lottery. Once again, my best wishes to each one of you to get your name in the first 20. Here it goes. Now RT lottery list have been generated by automatically systems. Then you can see that the serial number of application or application number have been changed. Now we can see here that I am downloading RT lottery result here. Next continuation. तो ऐसे ही प्रकार के आरटी और देन डिफरेंशियल एबल एससी एसटी देन सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 ऐसे आरटी लॉटरी होती है और वो और लॉटरी पर्टिकुलर टाइम को होती है तो कल 19 अप्रैल 2020 को सुबह 8:30 to 9:30 अहमदनगर के सारे केंद्रीय विद्यालय की लॉटरी लिस्ट निकल गई उनका फेसबुक लाइव पे है. ये है केवी वन का और वैसे ही केवी टू का. तो कुछ जो केवी है उन्होंने उनका रिजल्ट है वो उनके वेबसाइट पे भी डाल दिया है तो हम देखेंगे. तो यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं नंबर टू केवी. तो यहाँ पे सेकंड केवी एमआरसी अहमदनगर में है तो उनके वेबसाइट पे उन्होंने यूट्यूब वीडियो का लिंक डाल दिया है तो हम वो देखेंगे. तो अभी भी वेबसाइट पे ट्रैफिक है तो टाइम लग रहा है वेबसाइट लोड होने में या कुछ वेबसाइट्स अपडेट हो रहे हैं. तो केंद्रीय विद्यालय में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है उनके लिए ज्यादा रिजर्वेशन है तो उनके बच्चों का लॉटरी में नाम आने का चांसेस ज्यादा है. तो यहाँ पे वो लिस्ट डालने वाले पर अभी तक लिस्ट अपडेट नहीं हुई है बट अनाउंसमेंट सेक्शन में कुछ विद्यालयों ने यहाँ पे जो यूट्यूब वीडियो की लिंक है लॉटरी जहाँ पे उन्होंने यूट्यूब लाइव किया था वो उन्होंने डाल दिया है. तो अभी हम आरटी लॉटरी को कंडक्ट करते हैं. आप नजर के लिए आपको जानकारी करना है तो आप नंबर को ध्यान में रखिए कुछ सफल कैसे हो गए कंडक्ट लॉटरी एक ही बार क्लिक करने के बाद ये दोबारा बार बार क्लिक नहीं होता है. ठीक है तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऐसा गेम नहीं करे कि दूसरी बार क्लिक कर दिया हमारा पहली बार आया था दूसरी बार नहीं आया. तो ये एक बार क्लिक होने के बाद काम नहीं करता एक ही बार ये लॉटरी होती है. तो मैं भी उसको क्लिक कर रहा हूँ. ठीक है स्कूल कंफर्म था डेमोज और लॉटरी हमने शोन पेरेंट्स वो डेमोज होता है वो हमने देखा नहीं पर डेमोज की जरूरत नहीं है. ये डेमो में फिर वो सिर्फ ऐसे ही रिकॉर्ड नहीं बनाते हैं उसमें तो हम डेमो नहीं गया है सीधे नहीं करते हैं हमने उसका. ये लॉटरी आरटी की लॉटरी आ गई है. ठीक है ये जैसे उस समय ये उस सीरियल नंबर 169 जो था वो रैंडमली अभी नंबर 1 पे आ गया. ये 2 ये उनका उस लिस्ट में प्री लॉटरी का जो लिस्ट है उसमें ये नंबर थे उनके और अभी के सिलेक्टेड नाम में ये लिस्ट आ गया. ठीक है सर
उठा हो पार्टी पार्टी लॉटरी और वहां पे क्या करें ना एक्सपोर्ट 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 सर आरटी आरटी होगा ऑलरेडी से हो गया ना ऑलरेडी से हो गया इसमें डाउनलोड हो जाएगा। तो इसी प्रकार केंद्रीय विद्यालय 2 ने भी आरटी लिस्ट देन डिफरेंशियल लेवल एससी कैटेगरी एसटी कैटेगरी ओबीसी डिफरेंशियल लेवल अभी आते हैं हम लोग दूसरी कैटेगरी में लाइक दिस। तो कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 देन सिंगल गर्ल चाइल्ड ऐसे लॉटरी सिस्टम से लॉटरी रिजल्ट डिस्प्ले होते हैं। आशा है आपको इस वीडियो से डिटेल इंफॉर्मेशन मिली है। आपको और कुछ भी डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो तब तक इजाजत दीजिए। मैं आपका दोस्त राहुल रास्कर, थैंक यू वेरी मच। शेयर दिस वीडियो विद अदर पेरेंट्स ऑल्सो। थैंक यू।